हेलो गाइस, श्री शुभा नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कमलेश भूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं ये से लेंगे इस वाले धागे को अंदर की तरफ और ऐसे फिंगर पर लपेटेंगे और इस वाली फिंगर से पकड़ लेंगे, देख सकते हो आप। फिर हम कुर्सिया हुक डालेंगे और अंदर वाले को बाहर लाते हुए और ऊपर वाले में इस तरीके से इसे लॉक कर लेंगे इस तरीके से, और एक बार और ले लेंगे तो ये हमारा लॉक हो गया। अब देखिए, अब ये सर्किल बन गया, देख सकते हो आप, ये वाला सर्किल बन गया। अब हमें जो डबल कुर्सिया और हाफ डबल कुर्सिया करनी है इसी सर्किल के अंदर करनी है। तो देखिए, तीन चेन बना ली हमने। अब जो सर्किल बनाए हैं इसी के अंदर हम डबल कुर्सिया करेंगे। तो देखिए, एक तीन की चेन भी काउंट करेंगे और एक डबल कुर्सिया, दो हो गए। तीन की चेन को हम एक डबल कुर्सिया मान के चलेंगे, तो तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ हो गए गैस। अब देखिए, आठ डबल कुर्सियां कर दी इसके अंदर हमने। अब इसको मैं खींच दूंगी इस तरीके से, और खींच दिया। अब इतना खींचेंगे कि इसका होल नहीं दिखे। अब देखिए, अब जहाँ से हमने तीन की चेन बनाई थी उसी के अंदर डालेंगे फर्स्ट चेन में और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया है। अब देखिए, अब गाइस देखिए, हमारा ये होल खिंच गया। हम लास्ट में जब बना के फ्री हो जाते हैं तो इसको हम कट कर देते हैं इस वाले धागे को, कि ये खुले नहीं। निडल में डाल के इसके अंदर एक दो अंटा लगा के उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। तो देखिए, फिर मैं दो की चेन बना ली। अब दो की चेन बनाने के बाद मैं जहाँ हमने दो की चेन बनाई है उसी के अंदर डालूंगी एक बार और डबल कुर्सियाँ कर दी हमने, देख सकते हो आप। एक तीन की चेन और एक डबल कुर्सिया एक ही चेन में हो गई। अब जहाँ हमने डबल कुर्सिया बनाई है, अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर हम एक बार डबल कुर्सिया बनाएंगे और फिर इसी चेन में दोबारा से फिर एक बार बनाएंगे। तो आठ डबल कुर्सिया थी। आठ डबल कुर्सिया के ऊपर हमें डबल करना है, हर चेन में हमें दो दो बार डबल कुर्सिया बनाते हुए जाना है इस तरीके से, हर चेन में दो दो बार। चेन स्किप नहीं करनी है गाइस, हर चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। इस तरीके से अभी और रह गई हैं, तो उसमें भी हमें करना है कंप्लीट। और जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं वहीं पर जाके सिल्प स्टिच कर देते हैं। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग कहाँ से करा था, यहाँ से। तो अभी और रह गई हैं, हर चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना हमें इस तरीके से। अब देखिए, इसे नेक्स्ट वाली में करते हैं। देखिए, अब यहाँ से ही हमने स्टार्टिंग करी थी, तो हम धागा नहीं लेंगे। और देखो, ये रही तीन की चेन, और तीन की चेन में ही हम इसको सिल्प स्टिच कर देंगे इस तरीके से। इस वाले धागे को गांठ लगा के हम कट कर देंगे। तो देखिए, हमारा ये इस तरीके से कटोरी सा बन के आया है, आप देख सकते हो। अब देखिए, एक चेन लेके इस धागे को इस तरीके से रखेंगे। अब देखिए, एक चेन ले ली हमने और जहाँ से चेन ली है उसी के अंदर हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे एक, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में करेंगे, और इसी तरीके से हर चेन में एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे हम। इस तरीके से
आप देख सकते हो। अब जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी हम उसी जगह पर आ गए, देख सकते हो, यहीं से हमने स्टार्टिंग करी थी, आप देख सकते हो यहाँ से। तो अब यहीं पर हम सिल्प स्टिच कर देंगे, इसमें से कर देंगे। और मैंने धागा भी लगा दिया है दूसरा। अब देखिए, इससे एक बार हमने सिंगल डबल क्रोशिया कर दी। अब एक चेन लेंगे इस तरीके से, और फिर जैसे हमने अभी सिंगल डबल क्रोशिया करी है उसी तरीके से हम एक बार और सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे इसी तरीके से। ना बढ़ाना है ना घटाना है, इस तरीके से एक बार हमारा हो चुका है। ये दूसरा राउंड सिंगल डबल क्रोशिया का चल रहा है। इस तरीके से जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था बनाना वहीं पर आ गए हम। अब यहाँ पर एक की जो चेन ली थी उसी में मैं सिल्प स्टिच कर दूंगी इस तरीके से, और एक चेन लेके इसको कट कर देती। तो देखिए गाइस, अब हमने ये इस तरीके का ये वाला बना लिया, इसका सिंपल बेस हो गया ये। अब देखिए, ये हमने दो डिजाइन बनाई हैं, तो इसी दोनों डिजाइनों को पहले हम ये वाली डिजाइन बनाते हैं फिर ये वाली डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से हमने सिल्प स्टिच कराया वहीं से बनाएंगे। इस तरीके से लॉक कर लेते हैं धागे को। सिंगल डबल क्रोशिया होती है गाइस, तो थोड़ा सा क्रोशिया को डालना मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से ये हमने लॉक कर लिया। अब देखिए, दो चेन ले ली। अब जहाँ से हमने दो चेन ली हैं उसी के अंदर डालेंगे एक बार। देखिए, दो चेन ले ली, अब इसे नेक्स्ट वाली चेन में हम एक बार सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर एक चेन लेंगे और एक चेन और, फिर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे हम इस तरीके से। फिर एक चेन, फिर एक चेन, फिर इससे एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से हम इसी तरीके से जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए, एक चेन और दो चेन, और फिर हम एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से इसे सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से छोटे छोटे होल बनते हुए आएंगे, एक चेन और दो चेन, फिर एक चेन स्किप करेंगे नीचे और फिर दूसरे नंबर की जो चेन है उसमें सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इसी तरीके से हमें राउंड कंप्लीट करना है। एक चेन स्किप करनी है और दो चेन ऊपर लेनी है इस तरीके से, एक चेन और दो चेन, और फिर इससे नेक्स्ट चेन में इस तरीके से हम स्किप कर दें। आप देखिए गाइस, फिर एक और रह गई है चेन, तो फिर दो चेन ले ली, फिर चेन बीच में स्किप करेंगे और जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट करा था उसी चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से बन के आया है, आप देख सकते हो। अब देखिए, जहाँ हमने दो की चेन ली थी उसके अंदर सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार। ये सिंगल डबल क्रोशिया हो गई, अब इसी के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे एक बार। एक बार डबल क्रोशिया हो गई, फिर दूसरी बार डबल क्रोशिया, और फिर तीसरी बार डबल क्रोशिया, और फिर देखो, एक हाफ डबल, एक सिंगल डबल क्रोशिया और चार हमने डबल क्रोशिया ली हैं। अब देखिए, एक दो, दो चेन लेके देखिए इस तरीके से हम चेनों की जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं उसी चेन में डाल के सिल्प स्टिच करके इस तरीके का बना देंगे। फिर देखिए, चार चार डबल क्रोशिया फिर हमें इधर की साइड भी करनी है
एक बार हो गई। एक ही चेन में, जो हमने दो की चेन ली थी उसी चेन में हम डाल रहे हैं बार बार, दो तीन, और ये हो गए हमारे चार। इसमें सिंगल डबल क्रोशिया नहीं लेनी। अब इससे नेक्स्ट जो चेन थी, दो की चेन थी, उसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से बन के आया है। अब देखिए, अब इससे नेक्स्ट जो चेन है उसके अंदर फिर हम इसी तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया नहीं लेंगे, डबल क्रोशिया डायरेक्ट कर देंगे। चार बार डबल क्रोशिया करनी है एक ही चेन में, जो दो की चेन थी। एक दो की चेन में तो हमने सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया है, ये वाला देख सकते हो, तीन हो गए। अब इसमें चार करेंगे, तो चार हो गए गाइस, देख सकते हो। फिर दो की चेन लूँगी और फिर जहाँ से स्टार्टिंग करी थी फर्स्ट चेन, उसी के अंदर सिल्प स्टिच कर दूँगी। और फिर चार बार इसी चेन में फिर दोबारा से लेना है हमें, चार बार। एक हो गया, दो, तीन, और ये हो गया चार, हो गया। अब देखिए, एक चेन में तो हमने ये आठ बना दिए टोटल, एक चेन में, दो की चेन में हमने आठ बनाते हैं, बीच में दो की चेन लेके उसे बीच में सिल्प स्टिच कर देते हैं। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन जो दो की है उसके अंदर मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट इस तरीके से कर दूंगी। और फिर इससे नेक्स्ट जो दो की चेन थी उसके अंदर फिर हमें इसी तरीके से बनाते हुए आना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आएगा। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर सिल्प स्टिच करके एक चेन लेके इसको कट कर दूंगी। देखिए गाइस, अब ये हमारा इस तरीके का लुक आ गया। ये नीचे वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें अब ये हमें पिंक कलर वाला राउंड लगाना है इसमें। तो चलिए मैं पिंक कलर का कैसे लगाते हैं वो बता देती हूँ, इस तरीके से। अब देखिए, जो हमने ये वाले फ्लावर बनाए हैं इसी के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ से मैं इस तरीके से डालूँगी, इस तरीके से। देखिए, एक तो जो चेन थी ना, हमने दो चेन बनाई थी, तो दो चेन में से एक यहाँ पर जॉइंट कर दिया, एक यहाँ। जो एक हमने स्क्रिप करी थी उसी स्क्रिप वाली चेन में हम बीच में जो होल दिख रहा है, ये हमारा देखिए, नीचे वाले में एक दो तीन चार राउंड बनाए थे हमने, वाइट वाले के फ्लावर चार बनाए थे। उसके बाद ये वाला जो हमारा पिंक वाला है, अब ये हम पिंक वाला बना रहे हैं। तो देखिए, ये हमने चार बना चुके हैं, इस तरीके का आएगा, देख सकते हो आप। अब देखिए, अब इसको मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, ये वाला हमारा फ्लावर बन गया है। अब जो हमारी ये वाली पंक्ति बनी है इसी के बीच में हम इस तरीके से डाल देंगे यहाँ पर, और इसको सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसके बाद में इसी वाली होल में एक ही में हमें दो बार डबल क्रोशिया करना है, छोटे छोटे ही बनानी है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना धागा। अब इस तरीके से देखिए, एक बार हो गया और ये हो गया हमारा दो। अब एक सिंगल डबल क्रोशिया, तो तीन हो गए। अब इसके ऊपर तीन ही हमें चेन बनाई है, एक दो तीन, तीन चेन बना के जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी उसी चेन में हम इस तरीके से इसको बीच में डालेंगे कुर्सियों को, और सिल्प स्टिच कर देंगे। गाइस, इस तरीके से ये निकलेगी नहीं, तो आप इस तरीके से इसे पकड़ के थोड़ा सा खींच दोगे। फिर इसी के अंदर हमें इसी तरीके से फिर दोबारा बनाना है। तो एक बार डबल क्रोशिया हो गई, एक हो गई। अब इसी के अंदर फिर एक बार और बनानी है, दो हो गई, और फिर एक बार सिंगल डबल क्रोशिया इसी के अंदर। ये हमारी सिंगल डबल क्रोशिया हो गई, इस तरीके से बन गया, देख सकते हो आप। अब इसके बाद में, अब देखिए, इससे नेक्स्ट जहाँ हमारा ये वाला फ्लावर है, ये फ्लावर के बीच में जो हम सिंगल डबल क्रोशिया के लिए हमने एक चेन छोड़ी थी उसी के बीच में फिर हमें यही फ्लावर बनाना है, इस तरीके से। तो हमें सिंगल डबल क्रोशिया करनी है। जब हमने वाइट वाला बनाया था तो एक में सिंगल डबल क्रोशिया से हमने सिंगल डबल क्रोशिया के लिए एक चेन में केवल सिंगल डबल क्रोशिया ही करी है, उसी वाली चेन में हमें ये फ्लावर बनाना है इसी तरीके से।
तो देखिए एक सिंगल डबल क्रोशिया कर दी। अब इसी वाली चेन में सिंगल डबल क्रोशिया जहाँ हमने करी है उसी में एक डबल क्रोशिया कर देंगे, एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे तो टोटल तीन हो जाएंगे, एक सिंगल डबल क्रोशिया और दो डबल क्रोशिया, टोटल तीन हो गए। अब फिर तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी चेन वहीं पर हम पहली चेन में ही इस तरीके से पकड़ेंगे इसको और सिल्प स्टिच कर देंगे। फिर दोबारा से इसी वाली चेन में दोबारा से फिर इसी तरीके से हमें थोड़ा सा टाइट लेगा, थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपने टाइट नहीं किया तो ये बड़े बड़े हो जाएंगे, इसलिए छोटे छोटे धागे लेने हैं डबल क्रोशिया में। अब देखिए हमारा ये भी बन गया। अब इससे नेक्स्ट जो ये फ्लावर है इसी के ऊपर जो एक चेन छोड़ रखी थी हमने उसी के अंदर हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे पहले इस तरीके से, फिर इसी वाली चेन में हम दोबारा से दो बार डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से, एक बार और डबल क्रोशिया इसी के अंदर करेंगे, टोटल तीन हो गए। अब तीन की चेन, एक दो, अब मैं धागा दूसरा लगा रही हूँ गाइस। देखिए तीन, अब देखिए तीन चेन हो गई। अब जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था उसी चेन में मुझे इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया सिल्प स्टिच कर देनी है। निकल गया है ये इस तरीके से, यहाँ गांठ आ गई है गाइस क्योंकि मैंने दूसरा धागा वो कट करा था और धागा लगाया है इसमें, इसलिए तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से, और फिर इसी वाले चेन में हम दोबारा से दो बार डबल क्रोशिया कर देंगे जैसे करते हुए आ रहे थे इसी तरीके से, एक बार हो गया। अब एक बार और निकालेंगे डबल क्रोशिया को दो बार, और फिर देखिए इसी के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे और फिर एक बार और फिर अब इसी के अंदर हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे, तो टोटल हमारी छः हो जाती हैं और बीच में तीन की चेन इस तरीके से। देखिए ये भी बन गया। अब देखिए अब जहाँ हमारे ये जॉइंट है हमें यहाँ पर एक ही रह गया है वही बनाना है, तो जहाँ ये इसका नीचे वाइट वाले का जॉइंट है इसी के ऊपर एक चेन में इस तरीके से हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इसको, और फिर डबल क्रोशिया दो बार करेंगे इसी में, थोड़ा फास्ट बता रही हूँ, एक बार और इसी के अंदर एक ही चेन में है फ्लावर बनाना है गाइस, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए तीन की चेन, एक दो तीन, तीन की चेन, अब फर्स्ट चेन जो होती है उसी के अंदर हम इस तरीके से इसे सिल्प स्टिच करके निकाल देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से और फिर इसी चेन में हम दो बार डबल क्रोशिया कर देंगे हम एक बार हो गया, एक बार और कर दूंगी। अब देखिए अब जहाँ हमने एक बार सिंगल डबल क्रोशिया रह गई वो भी कर देती हूँ। अब जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था ये फ्लावर उसी, देखिए ये तीन तीन की चेन है तो तीन की चेन जो लास्ट में है स्टार्टिंग नीचे वाली उसी में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से, और एक चेन लेके हम इसको कट कर देते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। देख सकते हो गाइस इस तरीके की ये कैप बन के रेडी हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर आप पॉम पॉम लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाया है। आप देख सकते हो ये इस तरीके का डबल कैप आएगा, बहुत प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो कैप ये हमारी इस वाली ड्रेस का है। देखिए इस तरीके से लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो गाइस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।